हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिपाली गर्ग। वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, रीजन्स के बेसिस पे कि किस रीजन से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन थ्री काइंड के होते हैं। फर्स्ट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकेंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड लैंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो चलिए गाइस, एक एक करके तीनों ट्रांसपिरेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो गाइस, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो होता है जो कि लीफ से होता है थ्रू स्टोमेटा। गाइस, लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये टाइनी पोर्स होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स जो कि लीफ के सरफेस पर होते हैं। तो गाइस, वो ट्रांसपिरेशन जो कि लीफ के सरफेस से हो थ्रू स्टोमेटा, दैट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो गाइस, इसका पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए गाइस, ये जो डायग्राम है ये है लीफ के सरफेस का, ठीक है। गाइस, लीफ के सरफेस पर ये जो अपर लेयर होती है ये होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट नीचे है अपर एपिडर्मिस। गाइस, जो क्यूटिकल लेयर है ये अपर एपिडर्मिस को कवर करती है, ठीक है। देन ये जो बड़े वाले जो लॉन्ग सेल्स देख रहे हैं आप, ये है पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है। ये है पैलिसेड मेसोफिल। गाइस, पैलिसेड मेसोफिल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस नहीं होती इन सेल्स के बीच में, ठीक है। देन गाइस, ये जो बाकी के ये वाले सेल हैं ये हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। और गाइस, जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये पूरी स्पेस है, तो इस स्पेस को कहा जाता है सब स्टोमेटल स्पेस। गाइस, यहाँ पर सबसे जो नीचे वाली लेयर है ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस गाइस, जो लोअर एपिडर्मिस होता है इस पे एक स्मॉल टाइनी पोर्स होता है जिसको कहते हैं स्टोमेटा। इस स्मॉल टाइनी पोर को कहते हैं स्टोमेटा। और गाइस, इसमें टू गार्ड सेल होते हैं। तो ये जो दो बीम जैसे बीम शेप के जो आप सेल्स देख रहे हैं ये हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गाइस, स्टोमेटा के ऊपर जो स्पेस ये प्रेजेंट है इस पूरी स्पेस को कहा जाता है सब स्टोमेटल स्पेस, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, वाटर हम सॉइल में डालते हैं तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा और जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। देन गाइस, लीफ में वाटर आ जाएगा वेन्स के थ्रू। लीफ में जो वेन्स होती है वेन्स के थ्रू हर एक सेल में वाटर आ जाएगा लीफ के अंदर। गाइस, हर एक सेल से जो वाटर आता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट में वाटर इम्बाइबिशन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा, कुछ अमाउंट में वाटर मतलब मेनली जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल टू सेल ट्रांसफर होगा, बट कुछ अमाउंट में इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो गाइस, सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। गाइस, यहाँ पर स्पेस मिल गई वाटर को, तो जितना भी वाटर होगा वो इस स्पेस में कलेक्ट हो जाएगा। और गाइस, डे टाइम पे क्या होता है, सनलाइट होती है, तो सनलाइट से जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्म हो गई वाटर वेपर्स, ठीक है। गाइस, ये जो स्पेस है इस स्पेस में वाटर वेपर्स आ गई, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर एक सेल से थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस सेल में आया, देन सेल टू सेल आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फाइनली जो स्पेस मिल रही है वहाँ पे वाटर वेपर्स कलेक्ट होती जाएंगी। तो गाइस, यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पे वाटर वेपर्स कलेक्ट हो गई। अब डे टाइम पे क्या होगा, ये जो स्टोमेटा है इसकी ये जो
स्टोमेटा ये ओपन रहेगा, ठीक है, डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहेगा। तो गाइज ये जो वाटर वेपर्स हैं ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस लेयर पे प्रेजेंट होता है, डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि गाइस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही निकलती है, ठीक है। तो डे टाइम पे फोटो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन रहेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो जो वाटर वेपर्स फॉर्म हो गई ये कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होता जाएगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब गाइस स्टोमेटा का मैकेनिज्म हम समझते हैं कि स्टोमेटा कैसे वर्क करता है। तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, ठीक है। इसमें ये जो पोर देख रहे हैं आप ये है स्टोमा, ठीक है। देन ये जो टू बीन जैसे सेल देख रहे हैं ये है गार्ड सेल। गाइस जो गार्ड सेल होते हैं ये बीन शेप के सेल होते हैं, बीन शेप, ठीक है। देन इन गार्ड सेल में ये जो बहुत सारे आप होल्स देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। गाइस जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल ऑर्गेनेल होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है गार्ड सेल का न्यूक्लियस। और गाइस ये जो आसपास आप सेल देख रहे हैं ये है एपिडर्मल सेल, ठीक है। अब गाइस जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो डिपेंड करती है गार्ड सेल पर। गाइस गार्ड सेल की जो इनर लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है और आउटर लेयर थिन होती है, तो आप देख सकते हो कि अंदर वाली जो लेयर है ये थोड़ी थिक है, ठीक है। तो गाइस यही जो गार्ड सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। अगर स्टोमेटा बंद होगा, गाइस ये है स्टोमेटल पोर, तो अभी तो ये खुला हुआ है, गाइस अगर ये बंद हो गया तो ना कोई चीज अंदर जा सकती है ना ही कोई चीज बाहर आ सकती है, ठीक है। तो ये जो स्टोमा होता है ये जो पोर होता है इसी के थ्रू गैसेस अंदर जाती हैं, वाटर वेपर्स बाहर आता है, ऑक्सीजन गैस बाहर आती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, तो यही ओपनिंग है जिसके थ्रू गैसेस का भी एक्सचेंजमेंट होता है और वाटर वेपर्स बाहर निकलती हैं, ठीक है। अब गाइस ये जो ओपनिंग है इसको रेगुलेट करते हैं ये जो गार्ड सेल प्रेजेंट है वो, ठीक है। अब क्या होगा गाइस अगर गार्ड सेल, अब यहाँ पे वाटर है, वाटर गार्ड सेल के अंदर आएगा, ठीक है। गाइस क्या होगा अगर गार्ड सेल में वाटर ज्यादा आ गया, गार्ड सेल में वाटर भर गया तो जो गार्ड सेल हैं वो टर्जर्ड हो जाएंगे। और गाइस जब गार्ड सेल टर्जर्ड हो जाएंगे तो ये जो स्टोमेटल की स्टोमेटल ओपनिंग है ये ओपन हो जाएगी और वाटर लॉस हो जाएगा। गाइस जब वाटर लॉस हो जाएगा, जब वाटर चला गया तो जो गार्ड सेल है ये फ्लैसिड हो जाएंगे, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये बंद हो जाएगी और जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा या फिर होगा नहीं, ठीक है। तो गाइस स्टोमेटल की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल। डे टाइम पे गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे स्टोमेटल ओपनिंग खुली रहती है तो कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होता है। तो गाइस डे टाइम पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि स्टोमेटल ओपन रहता है और जो वाटर वेपर्स है वो कंटिन्यूसली लॉस होता है। तो गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि डे टाइम पे जो लीफ होती है वो विल्ट कर जाती है, मतलब सूख जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डे टाइम पे कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होता है, और वाटर का लॉस होगा तो जो लीफ है वो फ्लैसिड हो जाएंगी और विल्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो यही रीज़न है। तो गाइस याद रखिएगा स्टोमेटल की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो जो गार्ड सेल है वो टर्जर्ड हो जाएंगे और ओपनिंग खुल जाएगी, और जब वाटर का लॉस होता रहेगा, कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होता रहेगा, तो जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब गाइस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो लीफ के दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लीफ है, लीफ का एक होता है अपर सरफेस और एक होता है लोअर सरफेस, ठीक है। गाइस जो अपर सरफेस होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है,
जो लोअर सरफेस होता है वो थोड़ा रफ होता है, तो जो स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो दोनों सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, बट लोअर सरफेस पर ज़्यादा स्ट्रोमेटा होता है एज कंपैरिजन टू अपर सरफेस। तो गाइस इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करने वाले हैं कि लीफ के कौन से सरफेस पर स्ट्रोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो गाइस देखिए एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक लीफ ले ली, ठीक है। अब गाइस उस लीफ में हमने ग्लास स्लाइड को फिक्स कर दिया। गाइस ये एक ही लीफ है, बट ये वाली जो लीफ है ये इसका अपर सरफेस है, ठीक है, और ये है लोअर सरफेस। लीफ एक ही है बट इसमें ये वाला जो सरफेस है ये अपर सरफेस है, और ये जो सरफेस है लीफ का ये है लोअर सरफेस, बाकी लीफ एक ही है, ठीक है। देन गाइस लीफ में हमने क्या करा, ग्लास स्लाइड फिट कर दी, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड, ठीक है, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी, और गाइस दोनों ग्लास स्लाइड को हमने क्लिप की हेल्प से फिक्स कर दिया, ठीक है। ये है क्लिप, तो क्लिप की हेल्प से दोनों ग्लास स्लाइड को फिक्स कर दिया। गाइस इसके अंदर हमने रखा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है, लीफ के अपर सरफेस पर और लीफ के लोअर सरफेस पे हमने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दिया, फिर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के ऊपर ग्लास स्लाइड रख दी दोनों साइड, अपर साइड भी और लोअर साइड भी, और क्लिप से फिक्स कर दिया ताकि ग्लास साइड हटे नहीं और जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ये गिरे नहीं, ठीक है। गाइस कुछ टाइम के लिए इसे सनलाइट में ऐसे ही रहने देंगे, तो हम क्या नोटिस करेंगे, कुछ टाइम बाद ये जो अपर सरफेस पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ये कैसा रहेगा, ब्लूइश कलर का, ठीक है, और ये जो लोअर सरफेस पर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा पिंक कलर का और ये रहेगा ब्लू कलर का, बट गाइस ये भी धीरे धीरे करके पिंक कलर का चेंज होने लगेगा, बट इसको चेंज होने में टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू लोअर सरफेस, ठीक है। ये वाली जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ये जल्दी पिंक कलर का हो गया, बट इस वाले को थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी पिंक कलर का हो जाएगा बट इसको ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू दिस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अपर सरफेस पर कम ट्रांसपिरेशन होता है एज कंपैरिजन टू लोअर सरफेस, ठीक है। तो गाइस याद रखिए कि लीफ के लोअर सरफेस पर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है एज कंपैरिजन टू अपर सरफेस, होता तो दोनों सरफेस पर ही है बट लोअर पर ज़्यादा होता है अपर पर कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस लोअर सरफेस पर ज़्यादा स्ट्रोमेटा होते हैं एज कंपैरिजन टू अपर सरफेस, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। गाइस नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। गाइस जो क्यूटिकल होता है ये एक वैक्सी लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस सेल्स सिक्रीट करता है, ठीक है। गाइस ये जो लेयर होती है क्यूटिकल की ये लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि अभी हमने जब स्ट्रोमेटल का डायग्राम देखा था, लीफ का जो पूरा स्ट्रक्चर देखा था सेल वाला, तो उसमें आपने देखा था कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर थी क्यूटिकल की। तो गाइस जो क्यूटिकल की लेयर है ये वैक्सी लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस सेल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑन द टू सरफेस ऑफ द लीफ। गाइस जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं ये एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, और ये जो क्यूटिकल होता है ये लीफ के दोनों सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब गाइस लीफ के सरफेस से इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है,
बट ये जो वैक्सी लेयर आ गई लीफ के सरफेस पर, ये वैक्सी लेयर एवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है, मतलब एवेपोरेशन को ज़्यादा नहीं होने देती, ठीक है। तो गाइस अगर थिकनेस ज़्यादा है क्यूटिकल की तो उतना ही कम एवेपोरेशन होगा। गाइस लीफ में जो थिकनेस होती है क्यूटिकल की वो वैरी करती है, किसी लीफ में कम होती है तो किसी लीफ में क्यूटिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है। तो गाइस अगर थिकनेस ज़्यादा है तो एवेपोरेशन कम होगा, क्यों? क्योंकि जो वैक्सी लेयर है ये एवेपोरेशन को होने नहीं देती लीफ के सरफेस से, ठीक है। तो अगर थिकनेस ज़्यादा है तो एवेपोरेशन कम होगा, और अगर गाइस क्यूटिकल की थिकनेस कम है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स होती हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर थिक रहती है ताकि ज़्यादा एवेपोरेशन नहीं हो पाए। वैसे भी डेजर्ट में पानी कम होता है, तो अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट को तो प्लांट तो वैसे ही मर जाएगा, तो इसी वजह से उधर क्यूटिकल की लेयर थिक होती है ताकि एवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाए और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर ज़्यादा लॉस नहीं हो पाए। तो गाइस याद रखिएगा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में लीफ के सरफेस से ट्रांसपिरेशन होता है, बट जो क्यूटिकल की लेयर है ये ज़्यादा एवेपोरेशन को, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन को नहीं होने देती। अगर थिक लेयर है तो बहुत कम अमाउंट में होगा, और अगर ज़्यादा थिन लेयर है तो ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। गाइज थर्ड है लैंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। गाइस लैंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है ये होता है लैंटी सेल्स के थ्रू, ठीक है। गाइस ये जो लैंटी सेल्स होते हैं ये माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ ओल्ड स्टेम। गाइस जो ओल्ड स्टेम्स होती हैं उनके सरफेस पे एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसको क्या कहा जाता है, लैंटी सेल्स। तो गाइस लैंटी सेल्स के थ्रू अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो उस ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है लैंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। गाइस ये जो लैंटी सेल्स होते हैं ये कभी बंद नहीं होते, जैसे स्टोमेटल सेल्स हमने पढ़ा था कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती रहती है, बट ये जो लैंटी सेल्स होते हैं ये कभी बंद नहीं होते। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली वाटर कुछ अमाउंट में लॉस होता रहता है इससे, इसके थ्रू, ठीक है। और गाइस लैंटी सेल्स के थ्रू गैसेस का भी एक्सचेंजमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, बट कम अमाउंट में, एज कंपैरिजन टू स्टोमेटा कम अमाउंट में इसमें एक्सचेंजमेंट होता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिए लैंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन में जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है, ये होता है लैंटी सेल से, जो कि माइन्यूट ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ ओल्ड स्टेम, और ये जो सेल्स होते हैं ये कभी भी बंद नहीं होते, ठीक है। तो गाइस हमने तीन टाइप का ट्रांसपिरेशन पढ़ा। सबसे ज़्यादा जो वाटर लॉस होता है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से। गाइस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में सबसे ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, फिर इसके बाद जो वाटर का लॉस होता है वो होता है लैंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। और गाइस सबसे कम जो वाटर लॉस होता है वो होता है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन में। सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, देन उससे कम क्यूटिक्यूलर में, और फिर उससे कम लैंटिक्यूलर में। गाइस जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। लैंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन होता है लैंटी सेल्स के थ्रू, लैंटी सेल्स होते हैं वहीं से वाटर का लॉस होता है। और गाइस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम सरफेस ऑफ लीफ, डायरेक्ट लीफ का जो सरफेस है वहां से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बट उस सरफेस पे क्यूटी सेल्स एक वैक्सी लेयर होती है जो ट्रांसपिरेशन को रोकती है, ठीक है। तो गाइस याद रखिए ये तीनों टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू, लैंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन
लैंडी सेल्स के थ्रू एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन सरफेस ऑफ द लीफ के थ्रू. ठीक है, तो गाइज ये हो गए 3 types ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो गाइज अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तो तब तक के लिए गुड बाय.